Sixth class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your exercise 7.3. Now student, today we do exercise 7.4, which is on the page number 127. Student, in the exercise 7.4, what they give you? Subtract the following using a number line. हमें number line को use करते हुए क्या करना है, वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है. स्टूडेंट्स फर्स्टली व्हाट दे गिव यू, 5 माइनस 4. देन स्टूडेंट्स वी कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ए नंबर लाइन. दे गिव यू 5 माइनस 4. सो फर्स्टली फर्स्ट स्टेप इज 5 के आगे कोई सिंबल नहीं है. इट मींस ये किस में है, प्लस में है. तो हम जीरो से पॉजिटिव, जिनके साइड कोई साइन नहीं लगा हुआ है, उन नंबर की साइड जाएंगे 0 to 5. आफ्टर दैट क्या है, 4 माइनस किया हुआ है. अब इधर हमने 5 स्टेप मूव किया, अब 4 स्टेप माइनस है. तो माइनस के लिए 4 स्टेप हम इधर आएंगे, 1 2 3 4. तो फोर्थ स्टेप के लिए हम कहाँ आ पहुँचे, माइनस 4 पे 1. सो आवर 1 इज द आंसर. सेकेंड, -8 -2. सो स्टूडेंट सपोज करो हम इधर ही नंबर लाइन को बढ़ा लेते हैं, -6 -7 -8 -9 -10. आपको इसके लिए डिफरेंट नंबर लाइन यूज़ करनी है. स्टूडेंट वैल्यू क्या दी है हमें, -8 -2. तो पहले हम ज़ीरो से किस स्टेप के साथ मूव किया, हमने -8 की साइड हमने मूव किया. ओके फिर इन्होंने अगेन -2 दिया है, तो 1 2 आगे हमने फिर से 2 स्टेप मूव किया, तो हम किस पे आगे पहुँचे हैं, -10 पे. सो -10 इज़ अवर आंसर. स्टूडेंट सेम यू कैन ट्राई दिस सम एंड दिस सम. फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव फॉर्म में दे रखी है, सपोज दे गिव यू 6, तो हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ +6. प्लस की वैल्यू है तो वहां पे आंसर में माइनस सिंबल आ जाएगा. यहां अगर कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है तब भी यहां माइनस आ जाएगा, और अगर इधर कोई माइनस की वैल्यू है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगी. तो जैसे हमारा ए पार्ट में तो वैल्यू दे दी 6, बी में हमें दे दी -8, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 या फिर +8. स्टूडेंट मोड ऑफ -4 दे रखा है. अगर मोड ऑफ -4 है तो कोई भी वैल्यू मोड से बाहर आने के बाद पॉजिटिव में हो जाती है, और उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -4. अब ये पॉजिटिव में है मोड के अंदर, तो ये मोड से बाहर आके पॉजिटिव में ही रहेगी, लेकिन इसका एडिटिव इन्वर्स -11 हो जाएगा. इसी तरह से लिखना है हमने जैसे सेकेंड के ए पार्ट में लिखा है. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है. वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x+5 = 0. स्टूडेंट अब हमें देखो x+5 = 0 दिया है. अब कोई भी, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो बिल्कुल ध्यान से समझना, कि इक्वल का सिंबल आ गया, इक्वल से इधर कोई भी नंबर प्लस का है, सपोज करो मैंने 2 ले लिया, तो ये इक्वल से उधर जाके वैल्यू माइनस की 2 हो जाएगी. अगर यहाँ माइनस के 2 है तो ये वैल्यू इक्वल से उधर जाके प्लस की 2 हो जाएगी. अगर यहाँ मल्टीप्लाई में, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये उधर जाके डिवाइड में 2 हो जाएगी, और अगर इधर कोई भी वैल्यू डिवाइड में है तो इक्वल से उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी. स्टूडेंट ये ऑपरेशन आपका जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक काम आने वाला है. सो x+5 है इधर, उधर क्या है 0, ये +5 इक्वल से उधर जाके प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो -5, और 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो सेम नंबर आ जाएगा. दिस इज अवर आंसर. इसी तरह से स्टूडेंट 5 - x है. अगर 5 - x है तो हम क्या करेंगे, 5 - x = 0. अब हम क्या करते हैं, -x
जीरो, फाइव के साथ कोई सिंबल नहीं है लेकिन इक्वल से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, और माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा स्टूडेंट. नाउ इन द सी पार्ट एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस फाइव दे दिया है, एक्स प्लस इन द ब्रैकेट माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो. मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस सिंबल है और ब्रैकेट के अंदर कोई भी डिफरेंट सिंबल है तो वो वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. तो प्लस माइनस माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू माइनस फाइव आ गई, और माइनस फाइव इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, पॉजिटिव फाइव. नेक्स्ट क्या दिया है इन्होंने हमें, नेक्स्ट में दे रखा है माइनस फाइव माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. अब माइनस फाइव दिया है तो माइनस फाइव इक्वल से उधर जाके हो गया भाई पॉजिटिव फाइव, माइनस एक्स की वैल्यू आ गई फाइव. लेकिन हमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव में नहीं रखनी है तो इस नेगेटिव को इक्वल से हम उधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव फाइव में चेंज हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना है हमें फोर्थ सम में, कैसे करना है, 15 फ्रॉम 42. ये क्वेश्चन हमें ये ध्यान रखना बेटा, कोई भी वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट करने हैं तो पहले फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू लिखनी है, उसके बाद फ्रॉम से पहले वाली. तो पहले हम लिखेंगे 42 माइनस 15 और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ए पार्ट के लिए हमें ये लिखना है, बी के लिए हम लिखेंगे माइनस 70 देन माइनस अगेन माइनस 10. फ्रॉम के पहले इस पे हमें माइनस का सिंबल लगा देना है, 15 माइनस और वैल्यू क्या दे रखी है हमें, माइनस 17. ये सी है. डी में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 300 माइनस 240. स्टूडेंट अब हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ये सिंपल है, सिंपल हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे. 12 में से 5 आउट हुए 7 एंड 3 में से 1 आउट हुआ 2. नाउ माइनस 70 माइनस माइनस प्लस 10, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन वैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 70 में से 10 आउट हुए 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 प्लस 17 इज 32. माइनस माइनस सिंबल माइनस का रह जाएगा लेकिन वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, 540. दिस इज़ द आंसर. सो स्टूडेंट टुडे योर वर्क इज एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1-4 डू इन योर फेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स. सो स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ. थैंक यू.